हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं तड़के वाली दही भिंडी की रेसिपी लाई हूँ जो सुपर डिलीशियस है। जिन्हें भिंडी खाना पसंद है उनके मुंह में तो ज़रूर पानी आएंगे। मैंने भिंडी को धोकर साफ कर लिया है, फिर इसे कट कर लिया है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, फिर भिंडी को फ्राई कर लेना है। भिंडी फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। इसे मीडियम आंच में ही फ्राई करना है। भिंडी लगभग फ्राई हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को पीस कर रख लिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। फिर भिंडी को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल लेना है और जीरा और मेथी दाना भी डाल देना है। जीरा मिर्ची अच्छी तरह तड़क जाए तो उसमें पिसे हुए टमाटर और मसाले को भी डालकर भून लेना है। इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। मसाले लगभग भून चुके हैं। कम या ज़्यादा अपनी पसंद अनुसार इसमें पानी डाल लें। फिर इसे 2 मिनट ढक कर उबाल लेना है। फिर इसी में भिंडी को डाल देना है। फिर 5 से 6 मिनट और इसे पकाना है। सब्जी बन चुके हैं, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। सब्जी ठंडा होने के बाद मैंने इसमें दही डाला है। दही को मिक्सी में ग्राइंड करके डाला है। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन लिया है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है और साथ ही 2 लाल मिर्च डाल दिया है और कद्दूकस किए हुए अदरक डाला है, करी पत्ता डाल दिया है और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर तड़का लगा दिया है। तड़के वाली दही भिंडी पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये बिना लहसुन प्याज के तड़के वाली दही भिंडी है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।